इंडिया मार्केट में कॉम्पैक्ट तथा किफायती कारों की डिमांड हमेशा से ही देखी जा रही है। कम कीमत तथा लो मेंटेनेंस और बेहतरीन माइलेज के चलते लोग ऐसी छोटी कारों को ज्यादा पसंद भारतीय बाजार में कर रही है। इसी क्रम में ग्राहकों की इस रुचि को देखते हुए साउथ कोरिया की कार निर्माता कंपनी यानी हुंडई भी अब अपने लिए एक जबरदस्त कार को डेवलप कर चुकी है। जी हाँ, अब कंपनी नई माइक्रो एसयूवी AX1 कोड नेम वाली कार को जल्द से जल्द भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस जबरदस्त एसयूवी का मुकाबला भारत में मशहूर मारुति सुजुकी से लेकर महिंद्रा की एसयूवी कारों से कड़ा मुकाबला लेने वाली है। हाल ही में इसके टीजर के दौरान ली गई स्पॉट्स तस्वीरें तथा वीडियो टीजर में आप इसको देख पा रहे हैं कि इस कार को इतनी खूबसूरती द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि एक बार में देखने के बाद आप इस कार की जरूर से दीवाने होने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए दोबारा से काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्केट में आने वाली हुंडई की बिल्कुल ब्रांड न्यू छोटी एसयूवी कार AX1 के स्पेसिफिकेशंस, लॉन्चिंग डेट तथा कीमत के बारे में। तो वीडियो पूर्ण रूप से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पार्ट इस वीडियो का मिस ना कर पाए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने अपनी इस माइक्रो एसयूवी का एक टीजर भी जारी मार्केट के लिए किया था, जिसको आप अभी इस दौरान इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, जिसमें इसके हेडलाइट और टेल लाइट्स देखने को दिखते हैं। साथ ही साथ इस जबरदस्त मस्कुलस लुक के साथ ये एसयूवी मार्केट के लिए डिजाइन की गई है। अब इंटरनेट पर इसके प्रोडक्शन वर्जन की लॉन्चिंग डेट का खुलासा हुआ है, यानी ये कार मार्केट में 28 अगस्त को फाइनली आप सभी के लिए लॉन्च होने के लिए रेडी हो चुकी है। इस कार को भारतीय बाजार में मेड इन इंडिया तैयार किया जा रहा है। इस कार को मानेसर स्थित प्लांट के द्वारा अपडेट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ इस कार के कंपोनेंट्स को भी भारत में ही डिजाइन किया गया है, यानी पूर्ण रूप से हुंडई अपनी इस जबरदस्त माइक्रो एसयूवी कार को भारत के लिए ही डिजाइन करते हुए भारत में ही डेवलप कर रही है, जो कि हम सभी के लिए काफी गर्व की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस कार को अपने हाईटेक तथा न्यू K1 प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित कर रही है, जिस पर सेंट्रोस का निर्माता नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को भी मार्केट के लिए तैयार किया गया है। मार्केट में इस कार के अंदर आप सभी को 1.2 लीटर की क्षमता वाला नेचुरल एसिड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि कंपनी के मुताबिक मशहूर हैचबैक कार क्राउन i20 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प से लिया गया है, क्योंकि भारतीय बाजार की सड़कों पर 83 PSP की मैक्सिमम पावर के साथ 115 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। इस कार के अंदर आप सभी को 5 स्पीड EMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। भारत के स्पेशली ऊबड़ खाबड़ रस्तों को ध्यान में रखते हुए इस एसयूवी कार को काफी मजबूती के साथ मार्केट के लिए उतारा गया है, यानी इस कार में आप सभी के लिए K1 प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किए गए BS6 मानकों के तहत इंजन का प्रयोग किया है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में भारत की जबरदस्त सड़कों पर आप सभी को निराश नहीं करने वाली है। क्योंकि माइलेज की बात करें तो पूर्ण रूप से ये कार प्रति लीटर में आप सभी को 30 से लेकर 32 KV का माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है, जो भारत में मौजूद अन्य एसयूवी सेगमेंट में काफी ज्यादा बताया जा रहा है, जो कि वाकई में ही जबरदस्त बात होने वाली है। भारी लुक तथा फीचर्स की बात करें तो मार्केट में आने वाली हुंडई की ब्रांड न्यू AX1 के अंदर आप सभी को बेहतरीन फीचर्स के साथ ही साथ बेहतरीन लुक भी देखने को मिलने वाला है। इस कार के फ्रंट में आप सभी को LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प द्वारा संचालित करते हुए डे टाइम रनिंग लाइट का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जो कि इस कार को काफी खूबसूरती तथा मस्कुलर डिजाइन दूसरी कारों से देता है। कैबिन की बात करें तो इस कार के अंदर आप सभी को हुंडई की तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला 2021 पे वर्किंग 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट पिन सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो के कनेक्टिविटी फीचर द्वारा संचालित किया गया है। एप्पल कार प्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल, रिकमेंडेशन, ऐसे ढेरों फीचर्स इस कार के इन्फोटेनमेंट पिन सिस्टम में सपोर्ट करते हैं, यानी ये कार पूर्ण रूप से जबरदस्त फीचर्स द्वारा लैस की गई है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग के साथ इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंटी हाई, एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट्स जैसे फीचर्स को भी
शामिल किया गया है। इस कार में साथ ही साथ आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स के साथ 2.0 पे वर्किंग प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि भारत में अब सभी कारों में आप सभी को दिखाई दे रहा है, जो कि भारत की कारों को काफी सुरक्षित बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हुंडई की आने वाली AX1 को 3.7 से लेकर 3.8 मीटर लंबी रखने का प्लान किया गया है, यानी ये हुंडई की सबसे कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू से मार्केट में छोटी होने वाली है। हुंडई अपनी इस माइक्रो एसयूवी को बहुत से एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आप सभी के लिए पेश कर रही है। AX1 में सी पिलर पर रियर डोर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो कि इस कार को काफी अग्रेसिव लुक देते हैं। इस माइक्रो एसयूवी कार में आप सभी को 6 स्पोक एलॉय व्हील स्टेनलेस स्टील द्वारा साझा किए हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस कार के लुक को और भी ज्यादा बोल्ड लुक प्रदान करते हैं। बता दें कि हुंडई ने वर्ष 2018 में एक माइक्रो एसयूवी के निर्माण का ऐलान किया था। इसके बाद से इस कार को टेस्टिंग के दौरान कई बार भारत में देखा जा चुका है। अब फाइनली हुंडई ने इस जबरदस्त एसयूवी कार को लॉन्च करने का भी पूर्ण रूप से खुलासा कर दिया है। मार्केट में इस कार को जल्द से जल्द हम सभी के लिए लॉन्च किया जाना है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मार्केट में आने वाली हुंडई की जबरदस्त माइक्रो एसयूवी कार AX1 को किसी दूसरी कार से पीछे मार्केट के लिए नहीं रखा गया है। इस कार में आप सभी को सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आज के सेगमेंट में एसयूवी के अंदर ग्राहक डिमांड करते हैं। इस कार को K1 प्लेटफॉर्म के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर हुंडई वेन्यू को डिजाइन किया गया है, जिसके चलते अब पूर्ण रूप से खुलासा हो चुका है कि इस कार की बॉडी को भी 80% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट करके डेवलप किया गया है। ग्लोबल NCP के तहत इस कार को 5 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि AX1 के कॉन्सेप्ट मॉडल को सबसे पहले 2020 में इंडोनेशिया मार्केट में प्रदर्शित किया गया था, जिसके बाद इस कार को ऑस्ट्रेलिया तथा USA मार्केट में पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। वहां पर ये कार काफ़ी प्रतिस्थितियों के साथ धूम मचाते हुए मार्केट में लॉन्च की गई थी, तथा ग्राहकों की पसंद के द्वारा इस कार को काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का अवार्ड भी दिया गया था। अब फाइनली वो वक्त आ चुका है कि जब भारतीय बाजार में इस कार को लॉन्च किया जा रहा है, यानी ग्राहक इस कार का बेसब्री से काफ़ी लंबे समय से अपने लिए पर्सनली इंतज़ार करते आ रहे थे। इस कार में साथ ही साथ आप सभी को फ्रंट में डुअल एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, EBD के साथ ABS या पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक कैमरा, IFSO फिक्स्ड आई लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल से लेकर 2.0 पे वर्किंग प्यूरिफिकेशन सिस्टम, सनरूफ की सुविधा भी मिलती है, जो कि इस सेगमेंट के अंदर माइक्रो एसयूवी कार के अंदर आप सभी को पहली बार दिखाई दे रही है। मुकाबले की बात करें तो पूर्ण रूप से इसका मुकाबला भारतीय बाजार में आने वाली महिंद्रा की XUV200 से लेकर मारुति सुजुकी की जबरदस्त कार से होने वाला है। साथ ही साथ टाटा की HPX से भी इस कार का पूर्ण रूप से बड़ा मुकाबला तय किया गया है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें तो मार्केट में ऑफिशियल वेबसाइट पे इस कार की प्री बुकिंग जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है, यानी ग्राहक आप इस कार को घर बैठे बुक कर सकते हैं। इस कार की डाउन राशि 2,000 रुपये तय कंपनी ने की है, यानी एक आम इंसान भी इस कार को अपने लिए घर बैठे बुक कर सकता है। इस कार पे जबरदस्त EMI ऑप्शंस को भी आप सभी के लिए साझा किया जाएगा। अगर आप इस कार को सबसे पहले ग्राहक बनते हुए खरीदने का प्लान बना चुके हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए, ताकि मैं आप सभी को आपके द्वारा लिंक प्रोवाइड करवा पाऊँ, जहाँ पर आप विजिट करके पूर्ण रूप से ऑनलाइन इस जबरदस्त कार की जानकारी लेकर अपने लिए जल्द से जल्द बुक कर पाए, ताकि आप सभी को जल्द से जल्द इस कार की डिलीवरी डीलरशिप द्वारा आपके घर पे मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।